और रैलियों का दौर चल रहा है जहां जेपी नड्डा रैली करने वाले हैं, अमित शाह रैली करने वाले हैं, अखिलेश यादव रैली करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्या उस रफ्तार के लिए ये रैलियां खतरनाक नहीं है? इन्हीं रैलियों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर चुनाव आयोग आज यूपी दौरे पर है, वहां की स्थितियों को जानेगा, वहां पर चर्चा होगी वहां के डीएम से, अधिकारियों से, कि किस तरीके की तैयारियां खासतौर पर रैलियों के लिए की जा रही हैं, और क्या ऐसे वक्त पर जहां नाइट कर्फ्यू लग चुका है, जहां तमाम वो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं ताकि ओमिक्रॉन के खतरे को रोका जाए, क्या वहां पर रैलियां होनी चाहिए? क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि जब चुनाव हो गए, रैलियां होती हैं, एक नहीं चार पांच रैलियां एक दिन में होती हैं, और उन रैलियों में इकट्ठा होती है भीड़, और उस भीड़ पर काबू पाना खतरनाक हो सकता है, वो असंभव भी कई बार माना जाता है क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ती है, और ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ेगा, और इसीलिए चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित है, और सवाल अब यही है कि क्या ये रैलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यानी देखिए सवाल तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि हमने पिछली दूसरी लहर में देखा था रैलियां और कई चीजों से खतरा बढ़ा था, इस बार भी खतरा हमारे सामने है, चुनाव आयोग की टीम पहुंचने वाली है, किस आधार पर ये फैसला लिया जाएगा कि रैलियां हो या ना हो, और ये कब तक फैसला बता भी दिया जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, वो कब होनी है वो भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल अर्पिता, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय हो जाता है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब तमाम बाकी राज्यों में देखने को मिली है, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, और यही कारण था कि चुनाव आयोग को ये फैसला लेने के लिए एक तैयारी का जायजा लेने की जरूरत है कि आखिर उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में क्या स्थिति है। इसी के कारण आज चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंच रही है, आज यहाँ चुनाव आयोग लगभग 4:30 बजे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेगी, उसके बाद में जो दूसरी मुलाकात होनी है वो नोडल अधिकारियों के साथ होनी है अलग अलग जिलों की। कल का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अलग अलग जिलाधिकारियों के साथ में बैठक होगी और हर एक जिले की तैयारी का आकलन होगा कि किस स्तर तक वहां पर टीकाकरण हो चुका है, वहां पर कोरोना के मामलों की स्थिति क्या है, किस तरीके से जो निगरानी समितियां और तमाम तरह के कदम राज्य सरकार ने उठाए उनकी प्रगति क्या है, और आखिरी दिन जो है वो मुख्य सचिव और इसके साथ ही साथ डीजीपी के साथ मुलाकात होनी है, और दोपहर में एक प्रेस वार्ता होगी लगभग 12 बजे जहां पर चुनाव आयोग इन तैयारियों के बाद में किस निष्कर्ष पर निकला है वो बताएगा। ओमिक्रॉन का खतरा भी है लेकिन राजनीतिक दलों ने गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात की है, लेकिन किस तरीके का यह प्रारूप होगा, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के चुनाव फ्री हो पाएंगे, ये देखना रोचक होगा।